राघव चड्ढा का नाम जब से परिणीति चोपड़ा से जुड़ा है तब से मीडिया उनके पास एक तरह से चिपक सी गई है और इतने सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब तो राघव सांसद के अंदर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ, सांसद के अंदर भी राघव से पहले प्यार की बातें होने लगी। कई वीडियोस में नोटिस किया गया और अब सांसद के अंदर राघव बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव याद रहता है, स्कूल का पहला दिन, पहला प्यार और वो सब कुछ। और जैसे ही राघव ने पहले प्यार का नाम लिया वैसे ही लोग मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगे। अब इसका इशारा क्या था वो तो आप सब समझ ही गए होंगे। वहीं कई बार नेताजी को सांसद के बाहर भी मीडिया ने परिणीति को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। नेताजी बोलते दिखाई दिए कि मुझसे राजनीति के सवाल पूछिए, परिणीति के नहीं। अब इसके बाद तो हलचल इतनी तेज हो गई कि राघव परिणीति के सवालों से इतने डरने लगे कि न जाने उन्हें क्या हो गया, उनका सामना क्यों नहीं करते। आखिर ऐसा भी क्या है कि परिणीति के बारे में सवाल पूछे जाएंगे तो राघव उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। राघव का नेचर क्या परिणीति के लिए ठीक होगा? वैसे सगाई में परिणीति ने राघव के लिए जो गाना गाया था उससे तो यही लगता है कि परिणीति राघव के लिए कुछ भी करने को तैयार है। परिणीति का गाना था जितने भी तू चलिए माही मैं तेरे पीछे पीछे चलिया, राघव जो कहेंगे परिणीति वही करेंगी। तो क्या राघव परिणीति को राजनीति में आने को कहेंगे और फिल्में छोड़ने को कहेंगे? तो क्या परिणीति वही करेंगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या परिणीति राघव के लिए कुछ भी करने को तैयार है? क्या करियर भी छोड़ सकती है? वैसे इनके बीच इतना प्यार गहरा दिखाया जा रहा है, क्या सच में ये जोड़ी आगे भी एक दूसरे के लिए ऐसे ही रहेगी? क्योंकि इनकी लव स्टोरी अभी नई नई नहीं बनी है बल्कि कॉलेज टाइम की है। जी हाँ, तो चलिए इनकी लव स्टोरी की शुरुआत बताते हैं जो आपको नहीं पता होगा और आप भी यही कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन्होंने अपनी शादी का बिल्कुल सही फैसला लिया। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं। इन्होंने यशराज फिल्म के लेडीज वर्सेस रिकी बहल के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले वो यशराज के लिए बतौर पीआर काम करती थी। एक्ट्रेस बनने से पहले एक्ट्रेस यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की डिग्री कोर्स कर रही थी। इसी यूनिवर्सिटी में राघव चड्ढा भी पढ़ाई कर रहे थे। दोनों शुरुआत में एक दूसरे से मिले, फिर बात होते होते दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार और अब शादी में बदलने जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो जब परी पिछले साल इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला की शूटिंग कर रही थी तभी राघव सेट पर उनसे मिलने पहुंचे थे। ये बात कहीं भी बाहर लीक करने के लिए मना की गई थी। दोनों ने शूटिंग के बीच क्वालिटी टाइम बिताया, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि अभी तक ना तो परिणीति ने और ना ही राघव चड्ढा ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली कबूल किया है। हालांकि कपल को कई बार एक दूसरे के साथ डिनर लंच डेट पर स्पॉट किया गया। कपल को इसी महीने की शुरुआत पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IAS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियन IPL 2023 मैच देखते हुए देखा गया था। परिणीति राघव की सगाई की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। परिणीति राघव की सगाई की झलक देखने का क्रेज दिखाई दिया। हर कोई इस जोड़ी के पहनावे से लेकर रिंग और स्टाइल देखना चाहता था। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो इस चमचमाती दुनिया से ही स्टैंड करती हैं। लेकिन नेताओं को ग्लैमर्स की दुनिया में शामिल होने का मतलब ये है कि वो भी क्या अपने सिंपल वाला अंदाज को एक नया रूप देते हैं, क्योंकि नेताजी को हमेशा सिंपल कुर्ते पैजामे में देखा गया। लेकिन एक्ट्रेस से सगाई करने के बाद नेताजी का लुक भी पूरी तरह से बदल गया। एक तरह से नेताजी भी अब अभिनेता लगने लगे, साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। परिणीति राघव की जोड़ी ने बॉलीवुड की उन जोड़ियों के भी होश उड़ा दिए जो कभी को इसी तरह से एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। और दौलत शोहरत में आकर इस कपल ने अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ये जोड़ियां सिर्फ और सिर्फ कुछ साल ही तक टिक पाए। सैफ अमृता, ऋतिक सुजैन और मलाइका अरबाज के तलाक ने हर किसी का विश्वास शादी जैसे रिश्ते से उठा दिया। आज भी इंडस्ट्री में यही होता आ रहा है और फिर भी परिणीति ने एक नेताजी को अपना हमसफर बनाने के लिए चुना। वहीं आपको बता दें, परिणीति और राघव एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जहां परिणीति बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं तो वहीं राघव राजनीति से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति के बादशाह कहलाते हैं। अब दोनों की सोच भी एक दूसरे से मेल खाती भी होगी कि नहीं वो तो यही जाने, लेकिन कुछ सोच कर ही दोनों ने एक दूसरे को हमसफर बनाने का
फैसला लिया होगा। और फिर जब कल की सगाई वाली पार्टी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद में कुछ ऐसा बोला कि परिणीति राघव को लेकर डर सताने लगा। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम तो यही चाहते हैं कि ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। इस बात को सुनकर खलबली मच गई, लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया, लोगों को डर सताने लगा कि क्या इस जोड़ी के बिगड़ने का डर सता रहा है। फिर लोगों का तो काम है कहना, कुछ सालों पहले प्रियंका और निक जोनास के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें होती थी, लेकिन आज भी प्रियंका और निक जोनास एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। प्रियंका चोपड़ा बहन परिणीति चोपड़ा की सगाई में पहुंची। परिणीति चोपड़ा ने 2011 की रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के साथ एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, एक्ट्रेस को आखिरी बार सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई में देखा गया था। परिणीति चोपड़ा ने कोड नेम तिरंगा, द गर्ल ऑन द ट्रेन, साइना नेहवाल की बायोपिक संदीप और पिंक की फरार, हंसी तो फंसी, केसरी, शुद्ध देसी रोमांस और इश्क ज्यादा जैसे फिल्मों में काम किया। वहीं अब कहा जा रहा है कि परिणीति चमकीला और कैप्सूल गिल में दिखाई देंगी। आज अपनी सगाई में आप नेता राघव चड्ढा इश्क ज्यादे बनेंगे और हर किसी की नजर इस वक्त इसी कपल पर है। परिणीति राघव के लुक पर है, ये कपल एक दूसरे से बढ़कर ही है। अगर परिणीति 20 हैं तो राघव भी 22 हैं। फिर चाहे वो कमाई का मामला हो या फिर पब्लिसिटी का मामला हो, इसका एक इशारा तो आपको आज की पार्टी यानी सगाई सेरेमनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनकी सगाई सेरेमनी में जहां परिणीति की बॉलीवुड फैमिली दिखाई देगी, तो वहीं राघव की नेताओं की पार्टी होगी। राघव और परिणीति कमाई के मामले में दोनों को टक्कर देते हैं। तो चलिए एक वो पॉइंट भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को ही शादी के लिए चुना। आपको बता दें, परिणीति को नामी ग्रामीण इंसान से शादी करनी थी और राघव की पब्लिसिटी भी अनलिमिटेड है। राघव चड्ढा ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची यानी ट्रेजरार बना दिया गया। इसकी वजह यह है कि राघव राजनीति में आने से पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन रमेश बिथूड़ी से हार गए। फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया और वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर उन्होंने राज्यसभा नॉमिनेशन का फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी। उनके अनुसार साल 2020 से 2021 में उनके पास कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उन्होंने अपनी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई है। राघव ने चल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके अनुसार उनके पास कैश 30,005, बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए हैं। बॉन्ड्स, डिबेंचर और शेयर आदि में उन्होंने 6,35,437 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,000 रुपए का निवेशन किया। राघव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,95,000 है। वहीं संपत्ति के रूप में 8,96,384 रुपए हैं। कुल मिलाकर परिणीति राघव से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा से भी आगे निकल जाएंगी। वहीं एक हैरानी वाली बात ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा की माँ और परिणीति की चाची यानी मधु चोपड़ा परी की सगाई में शामिल नहीं हो रही हैं। कुछ खबरों से पता चला है कि मधु चोपड़ा इन खबरों से अनजान थी। उन्हें परिणीति की सगाई का कुछ भी नहीं पता था, उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? परिणीति और राघव की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या वजह है जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को चुना?